दोस्तों, इतिहास के दूसरे तानाशाहों की तरह ही किम जोंग भी अपनी सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा सतर्क रहते हैं। इसलिए अपने कार चुनते समय उनका सबसे बड़ा कंसर्न उसकी सेफ्टी फीचर्स ही होते हैं। इस समय की अगर बात करें तो उनके पास मेबैक 62S और मेबैक S600 जैसी कारें मौजूद हैं, जो दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में शुमार की जाती है। किम जोंग अपने आने जाने के लिए मर्सिडीज बेंज S600 बुलमैन गार्ड कार का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वैसे आपको बता दें कि एक लिमोजिन कार है जिसकी कुल लंबाई लगभग 21 फुट है। ये एक हथियार बंद वाहन है जो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ और ग्रेनेड प्रूफ है, जिसकी वजह से इस पर गोलियां और ग्रेनेड के धमाकों का कोई भी असर नहीं होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार में एक पोर्टेबल टॉयलेट और एक छिपी हुई गन भी लगी हुई है। बताया जाता है कि इस कार की कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए है, और ये किम जोंग की अकेली ऐसी कार नहीं है जिसकी कीमत करोड़ों में हो, क्योंकि इसके अलावा भी इनके पास 100 से ज्यादा बेहद महंगी और लग्जरी कारों का कलेक्शन है। कुछ समय पहले जब किम जोंग अपनी इस लिमोजिन कार में पहली बार नजर आए थे तो उन्हें देखकर दुनिया में खलबली मच गई थी। दरअसल नॉर्थ कोरिया पर यह बैन लगा हुआ है कि वे दूसरे देशों से कोई भी सामान नहीं मंगवा सकते हैं। ऐसे में किम जोंग के पास ये लिमोजिन कार कैसे पहुंची, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। बताया जाता है कि किम जोंग अंतरराष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दुनिया भर से अपने लिए चीजें मंगवाते हैं, और दुनिया भर से ये चीजें उन तक गुप्त रूप से पहुंचाई जाती हैं, जिनको सिर्फ नॉर्थ कोरिया तक लाने में ही किम जोंग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। सिगरेट। दोस्तों, इस लिस्ट में सिगरेट का नाम सुनकर आपको थोड़ी हैरानी तो जरूर हुई होगी, क्योंकि सिगरेट तो इतनी महंगी चीज नहीं होती है कि उसको लग्जरी में गिना जाए। लेकिन बात जब किम जोंग की हो तो वे अपने शौक को भी लग्जरी से जोड़ देते हैं। दरअसल किम जोंग को सिगरेट पीने का बहुत शौक है, और वो बेहद महंगी फैशन सिगरेट पीना पसंद करते हैं, जिन्हें लग्जरी सिगरेट भी कहा जाता है। किम जोंग का फेवरेट सिगरेट ब्रांड वे सेंट लॉरेंट बताया जाता है, जिसके एक पैकेट की कीमत ही लगभग $50 यानी लगभग 3600 रुपए के आसपास होती है, और अगर इसको इसके स्पेशल लेदर पैकेट के साथ खरीदा जाए तो इसकी कीमत लगभग $170 यानी 12500 रुपए हो जाती है। इस हिसाब से देखें तो वो महीनों में लाखों रुपए की सिगरेट पी जाते होंगे। सिक्योरिटी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि किम जोंग अपनी सिक्योरिटी यानी सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क और गंभीर रहते हैं, और उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था इतनी टाइट की हुई है कि कोई इंसान तो दूर, परिंदा भी उनके पास पर नहीं मार सकता है। दरअसल एक बार ये अफवाह उड़ी थी कि अमेरिका के CIA और साउथ कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने मिलकर किम जोंग के कत्ल की प्लानिंग की है। अफवाह थी कि किम जोंग को मारने के लिए एक प्रोफेशनल रशियन हत्यारा हायर किया गया है, जो कि किम जोंग को जहर देकर मौत के घाट उतारेगा। इस अफवाह के बाद किम जोंग के दिल में मौत का ऐसा डर बैठा कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को पहले से भी कहीं ज्यादा टाइट करवा दिया। आज की अगर बात की जाए तो उनकी सिक्योरिटी में लगभग 3 दर्जन सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो हर समय उनकी परछाई बनकर उनके पास ही रहते हैं। ये सभी सिक्योरिटी गार्ड्स बेहद चुस्त, फुर्तीले, मुस्तैद, सभी तरह के हथियार चलाने और मार्शल आर्ट जैसी कलाओं में विशेष रूप से ट्रेन किए जाते हैं। इनकी इन्हीं विशेषताओं के बल पर इनका चयन किया जाता है। इन गार्ड्स के चयन में किम जोंग ने अपनी एक अजीब सी शर्त भी रखी हुई है। दरअसल किम जोंग की ये शर्त है कि उनका कोई भी सिक्योरिटी गार्ड उनसे 1 इंच भी ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। इसलिए सिक्योरिटी के लिए सिर्फ उन्हीं गार्ड्स को चुना जाता है जिनकी हाइट किम जोंग से कम होती है, जबकि खुद किम जोंग की हाइट ही सिर्फ 5 फुट 5 इंच है। जब किम जोंग अपनी कार में सफर करते हैं तो ये सभी गार्ड्स उनकी कार को चारों तरफ से घेर कर उनके साथ साथ ही दौड़ लगाते हैं। इसके अलावा ये जब कभी हवाई जहाज में सफर करते हैं तो उस समय एक जैसे 2 जहाज उड़ाए जाते हैं, ताकि किसी को ये पता न चल सके कि किम जोंग खुद कौन से जहाज में है। सिर्फ अकेले किम जोंग की सिक्योरिटी में हर महीने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। यॉट। दोस्तों, साल 2013 में नॉर्थ कोरिया के एक फिशरी स्टेशन पर एक शानदार यॉट लंगर डाले खड़ी हुई नजर आई थी।
अब यूं तो इन जगहों पर महंगे यॉट को इस तरह से खड़े देखना कोई हैरानी की बात नहीं होती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में इसको देखना काफी हैरानी की बात थी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा साल 2006 में ही नॉर्थ कोरिया में कोई भी लग्जरी सामान एक्सपोर्ट करने पर रोक लगा दी गई थी। ऐसे में इस देश के अंदर ब्रिटिश कंपनी प्रिंसेस यॉट लिमिटेड द्वारा बनाई जाने वाली 95 माई नाम की इस यॉट को देखना सभी के लिए काफी हैरानी की बात थी। असल में बताया जाता है कि किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया में दूसरे देशों की महंगी और लग्जरी चीजों के इंपोर्ट को कभी बंद ही नहीं होने दिया, और लग्जरी चीजें जैसे महंगी गाड़ियां, टेलीविजन, कंप्यूटर, शराब और घड़ियां आदि चीजों का इंपोर्ट नॉर्थ कोरिया निरंतर रूप से करता आ रहा है। दरअसल कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी द्वारा किम जोंग की एक तस्वीर जारी की गई थी जिसमें वो एक यॉट पर नजर आ रहे थे। इस तस्वीर में पीछे 95 माई यॉट को देखा जा सकता है। वैसे आपको बता दें कि इस यॉट की कीमत लगभग 9 मिलियन डॉलर यानी लगभग 65 करोड़ रुपए बताई जाती है। महंगी शराब, एक्सपेंसिव लिकर। दोस्तों, शराब एक ऐसी चीज है जो एक सस्ती कीमत से शुरू होकर बेहद महंगी कीमत तक में मिलती है, और दुनिया में महंगी शराब सिर्फ वही लोग पीते हैं जो उसके खर्चे को अफोर्ड कर सकते हैं। किम जोंग की बात करें तो उन्हें शराब पीने का बड़ा शौक है, और वो विस्की और कॉन्याक पीना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। शराब में उनका फेवरेट ब्रांड हेनेसी बताया जाता है, जिसकी एक बॉटल की कीमत ही लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास होती है। इसके अलावा किम जोंग को शैंपेन पीने का भी काफी शौक है, और बताया जाता है कि वो लुईस रॉयडरर क्रिस्टल की 2 बॉटल्स एक ही समय में खत्म कर देते हैं। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि किम जोंग हर साल सिर्फ अपने शराब पीने के शौक पर ही 200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर देते हैं। प्राइवेट आइलैंड। दोस्तों, किम जोंग दुनिया के उन लोगों में से हैं जो अपनी अयाशी और महंगे शौक को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। यही वजह है कि उनके पास एक या दो नहीं बल्कि 17 शानदार और आलीशान महल हैं, और वो इन महलों में ही अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। इसके अलावा इनके पास अपना खुद का एक प्राइवेट आइलैंड भी है जो उन्होंने सिर्फ पार्टी और मौज मस्ती के लिए रखा हुआ है, और जब भी उनका मन पार्टी करने का होता है तो वो अपने महलों को छोड़कर अपने इस आइलैंड पर चले आते हैं। किम जोंग के इस शानदार आइलैंड पर 200 फीट की एक पूल बोट, एक बेहद महंगी और लग्जरी यॉट, थीम पार्क, वाटर स्लाइड्स और एक फुटबॉल स्टेडियम जैसी कमाल की चीजें मौजूद हैं। जब भी कोई विदेशी मेहमान किम जोंग से मिलने आता है तो वो उसको अपने इस आइलैंड पर ही ठहराते हैं। साल 2013 में पूर्व NBA स्टार डेनिस रोडमैन जब किम जोंग से मिलने गए थे तो उन्हें भी इसी आइलैंड पर ठहराया गया था। रोडमैन ने बाद में मीडिया को बताया था कि किम जोंग का वो आइलैंड वाकई में कितना आलीशान है। महंगा खाना, एक्सपेंसिव फूड। दोस्तों, साल 2018 में नॉर्थ कोरिया से ये खबर निकली थी कि उनके सैनिकों की हालत काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि सैनिकों को समय पर पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पा रहा था। अब सैनिकों या देश के दूसरे करोड़ों गरीब लोगों को खाना मिले या ना मिले, लेकिन किम जोंग अपने खान पान का खूब अच्छे से ध्यान रखते हैं। दरअसल हाल ही में ये पता चला था कि किम जोंग को ईरान के बेहद महंगे कैवियार और लॉबस्टर मछली खाने का बड़ा शौक है। इसके अलावा उन्हें खाने में कोब मीट भी काफी ज्यादा पसंद है, जो जापान में मिलने वाला दुनिया का सबसे महंगा मीट कहलाता है। साथ ही डेनमार्क से इंपोर्ट किया जाने वाला टॉप क्वालिटी पोर्क, चीन के खरबूज, इमेंटल चीज, सुशी, शार्क फिन सूप और ब्राजीलियन कॉफी उनके फेवरेट आहारों में से है। असल में किम जोंग ने बचपन से ही एक शाही जीवन का अनुभव किया है, इसलिए वो सिर्फ उन्हीं चीजों को खाते हैं जो उन्हें पसंद होती हैं, फिर चाहे उसके लिए कितना भी खर्चा क्यों न करना पड़े। प्राइवेट जेट। दोस्तों, किम जोंग के प्राइवेट विमान को आधिकारिक रूप से चमाई वन और गोशोक वन के नाम से जाना जाता है, हालांकि बहुत से लोग उनको एयरफोर्स उन कहकर भी बुलाते हैं। इस शानदार और आलीशान प्राइवेट विमान की कीमत लगभग 1.5 मिलियन डॉलर के आसपास है, जो हमारे भारत के रुपयों में 11 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम होती है। साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग करने के लिए किम जोंग अपनी इल्यूशिन IL-62M नाम के प्राइवेट विमान से सिंगापुर पहुंचे थे। बताया जाता है कि ये विमान बेहद ही खास है, जिसका उपयोग 40 साल पहले सोवियत यूनियन में भी किया जाता था। हालांकि अब इन विमानों का उपयोग सिर्फ किम जोंग ही करते हैं। ये विमान अंदर से
किसी चलते फिरते फाइव स्टार होटल के जैसे बनाए गए हैं, जिनमें किम जोंग की जरूरतों का सभी सामान मौजूद रहता है। साल 2018 में जब ये विमान सिंगापुर के एयरपोर्ट पर उतरा था तो इसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। प्राइवेट ट्रेन। दोस्तों, किम जोंग एक ऐसे सुप्रीम लीडर हैं जिनके पास अपने सिर्फ प्राइवेट जेट ही नहीं बल्कि प्राइवेट ट्रेन भी हैं। और मार्च 2019 में किम जोंग जब चीन में अपने दोस्तों से मुलाकात करने के लिए गए तो उन्होंने इसी ट्रेन में सफर किया था। इस ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से हरे रंग से पेंट की गई है और इसकी खिड़कियों पर लगे सभी कांच बुलेट प्रूफ है, जिनसे झांकने पर अंदर कुछ नजर नहीं आता है। अब इस ट्रेन के इंटीरियर की अगर बात की जाए तो ये ट्रेन अंदर से किसी फाइव स्टार होटल से कम नजर नहीं आती है। इस ट्रेन में किम जोंग के फेवरेट खाने, वाइन, कंप्यूटर और बेहद आरामदायक सीटों की सुविधा है। असल में ये लग्जरी ट्रेन सोवियत संघ के शासक इटालियन द्वारा किम जोंग के परिवार को काफी समय पहले गिफ्ट की गई थी और तभी से इस ट्रेन का इस्तेमाल नॉर्थ कोरिया के शाही परिवार द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हम ऐसी ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।